लो भाई सुनो, अभी इसकी बातें, इसका भाषण सुनो। कंप्लेंट करने वालों को दुश्मन बना रही है ये। हाँ तो दुश्मनों का पैसा क्यों ली ये, क्यों ली? हाँ बता रही है गंदे पानी के कीड़े हैं। हाँ गंदे पानी के कीड़े हैं। इसको इसकी औकात देखो, अल्लाह ताला ने याद दिला दिया। कैसा याद दिलाया देखो, सड़ा रहा है जेल के पीछे। हाँ ये देखो, इतना पिकारा औरत जिसके बल बूते पे, जिनके पैसों की वजह से आज यहाँ तक कि ये मुकाम पर पहुँची थी, आज ये जलील औरत हम लोगों को कीड़े बना रही है। हाँ गंदे काली नानी के कीड़े बोल रही है। अरे बेवकूफ़ औरत, तेरे को अल्लाह ने जो मुकाम दिया था ना, आज वो मुकाम है ना हम लोगों के पैसों से तेरे को मिला था। हाँ बेवकूफ़ औरत हमको कीड़े बना रही है। तेरा मकाम अब कहाँ है ये देख, तेरा मकाम कहाँ है? तू सड़ रही है। हम लोग पैसा दे के फराग दिली से तेरे को पैसा दिए थे, हलाल बोलकर पैसा दिए थे, और तू जाहिल औरत, तूने हमारे पैसे लेकर और आज हमको कीड़े बना रही है। हाँ दुश्मन बना रही है। तूने दुश्मनी तो अपने मुंह से शुरू की थी, कुदरत ने तेरे को कहाँ पर देख क्या याद दिला दिया। तूने अपने कस्टमरों को, अपने लोगों को तूने दुश्मन बना दी, जितने भी लोग थे। तूने क्या चाल नहीं चली नहरा, क्या चाल नहीं चली तूने? हाँ पहले बोली कि पार्टनर है, फिर कस्टमर बनाई, क्या क्या बनाई तूने पब्लिक को। पब्लिक बर्दाश्त करते रही, सुनते रही, खामोश रही, क्योंकि उनके पैसे तेरे पास फंसे हुए थे। हाँ इसकी वजह से और आज भी फंसे हुए हैं। और कितने लोग हैं जो कंप्लेंट नहीं किए, और जो कंप्लेंट किए हुए तो उसको वो बना रही है, दुश्मन बना रही है। अल्लाह के खौफ से अब भी डर जा, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास नौहेरा, अभी भी वक्त है। माफ़ी मांग ले, अल्लाह ताला ने कहाँ से तेरे को कहाँ ला के फेंक दिया है, देखो कहाँ ला के फेंका है, एक जेल की कोठरी में तेरे को बंद करके रखा है, सड़ रही है तू अंदर। हाँ हम लोग को कीड़े बना रही है, अल्लाह के खौफ से डर। तेरा अंजाम नौहेरा, तेरा अंजाम तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता, क्या होगा। हाँ तूने फितना जगाई थी, तूने फितना जगाई थी, जब तेरे से पैसा मांगने लगे ना लोग कि भाई अभी तू इतने बड़े बड़े कामों में निकल चुकी है, बेपर्दा हो चुकी है, तो इसके लिए पब्लिक पैनिक होकर पैसा मांगने के लिए गई, तो तूने बोली जाकर कंप्लेंट कर। तूने फतवा दी थी कंप्लेंट करने का, पब्लिक को मालूम नहीं था कि क्या करना है अब बोलकर। तूने बोली जो करना है करो, हाँ जो करना है वो करो, कंप्लेंट करो, क्या करो, मैं बोले तुम लोग को चप्पल घसाऊंगी। आज एक कुदरत के दिन तेरे सामने आए हैं, देख तेरे ऊपर क्या हाल हो रहा है। अफसोस है तेरी ऐसी औरत पर, हम लोगों को बहुत अफसोस होता है। तो हमारे हक और ईमान का पैसा लेकर बैठी है, हमारे बच्चों की मेहनतों का पैसा लेकर बैठी है, और घमंड और तकब्बुर तेरे पास नहीं ख़त्म हुआ। अब तू आकर जेल में सड़ रही है, तो थोड़ा सा सुधर जा और जितना जल्दी हो सके अंदर बैठ कर पैसा दे नौहेरा, अंदर बैठ के पैसा दे। अल्लाह ने आज तेरे को तेरी औकात याद दिला दिया। हाँ एक अच्छे मकाम पे पहुँचने के बाद में तेरे को किस तरीके से गिराया देख। मासूम इन्वेस्टरों को तू दुश्मन बना रही है, कीड़े बना रही है। अल्लाह तेरे ऊपर नालत भेजे, कुदरत की तेरे ऊपर नालत हो, तेरे जिस्म में वो कीड़े पैदा हुए जो तू हमको कीड़े बोल रही है ना, वही कीड़े तेरे जिस्म में आ जाए अल्लाह करे, और तू तबाह बर्बाद हो जाए, तेरा खानदान पूरा तबाह बर्बाद हो जाए, पूरा खानदान, पूरा खानदान, जो जो हमारे पैसे लेकर खा कर ऐशो इशरत अय्याशियाँ करा है, वो पैसों से अल्लाह ताला तेरे जिस्म में, तेरे खानदान वाले के जिस्म में कीड़े डाले, और वो आपा का तेरे को ना बद्दुआएँ भी लगे, जो बेचारी रो रही है, आज उनका 400 ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया है उसको, ब्लड प्रेशर हो गया है, उसकी बद्दुआ तेरे को पहले लगे। अल्लाह करे, अल्लाह करे, और तेरे तकब्बुर के अल्फाज नहीं जाएंगे तब तक के तू अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगी, तो तेरे को अल्लाह से रिहाई नहीं मिलेंगी कभी भी इंशाअल्लाह। इसके अल्फाज सुनो जरा, कैसे तकब्बुर के अल्फाज बोल रही है। अल्लाह तेरे ऊपर नालत भेजे, जब तेरे को हम लोग पैसा दे रहे थे तो बड़ी खुशी खुशी ले रही थी ना पैसा। हाँ जब तेरे को कीड़े और जानवर, जब तेरे को कीड़े वीड़े नज़र नहीं आए थे, वो कीड़ों का पैसा खा कर बैठी ना तूने, दबा कर बैठी है तू, जेल में जाके सड़ रही है, अपने खानदान को हटा दी तूने सब। हाँ अल्लाह तेरा हाल बुरा करे, इंशाअल्लाह बुरा होगा। जो तूने ना बोई थी ना वही तू काट रही है अभी, और काटेंगी इंशाअल्लाह, जब तक कि तू इन्वेस्टर लोग से, हम लोगों से माफ़ी नहीं मांगेंगी
तब तक के तेरा है ना कोई भी तेरे को है ना बाहर नहीं निकाल सकता। और दूसरी बात, तेरी माफ़ी नहीं है, अगर तुम मर गई तो तेरे जनाजे पर आकर खड़े रहकर मैं बोलूँगी कि मेरा ये पैसा देने का, इसके जनाजे की नमाज ना पढ़ाई जाए, मैं रोक दूँगी तेरे जनाजे को इंशाअल्लाह। समझ में आया, तेरी बख्शिश यहाँ पर नहीं होगी ना ऊपर होगी। सारे लोग खड़े होंगे कि हमारे पैसा दे पहला बोल के, और ना तेरे जनाजे की नमाज़ पढ़ने दूँगी मैं, और ना तेरे को दफनाने दूँगी। समझ में आया इंशाअल्लाह। तेरे तकब्बुर के अल्फाज ने ना हमारे दिल बहुत दुखाए, हमको पैसा देकर तेरा हमारा दिल नहीं दुखा था, तेरे अल्फाजों से हमारा दिल दुखाया, और ये हमारी बद्दुआएं तेरे को इंशाअल्लाह लगेंगे ज़रूर।